हेलो गाइस, तो फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज है संडे और घर पर मैं फ्री ही बैठा था, तो मैं निकल पड़ा घर से ओनली 17 किलोमीटर दूर एक शानदार सा ऑफ बीट प्लेस जिसका नाम है बोरतीर बिल। तो कैसे जाना है कोलकाता के निकट इतना सुंदर ऑफ बीट प्लेस पर, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं अपनी इस डुगडुगी को लेकर गंगा नदी को क्रॉस करके बैरकपुर के रास्ते नीलगंज जाऊँगा, फिर वहाँ से लूँगा लेफ्ट टर्न और पहुंच जाऊंगा इन द लैप ऑफ नेचर। चलिए मैं फाइनली अब जो है बोरतीर बिल पहुंच चुका हूँ। और ये जो मेरे दोनों तरफ आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है पाट, पाट यानी कि जूट। इसी से जो है कुछ भी बोरा वगैरह यही इसी जूट से बनता है। ये है जूट स्टिक्स। यहाँ जब आप लोग आएंगे तो ढेर सारी इसकी बंडल देखने को मिलेगी जो इसी तरह दोनों किनारों में सजाया हुआ रहता है और जो काफ़ी शानदार लगता है देखने में। तो चलिए, यहाँ का मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो है वो है नौका विहार, मीन्स बोटिंग करना। तो चलिए बोटिंग करते हैं और उसके साथ ही जो है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अभी कर रहे हैं हम लोग वेस्ट बंगाल का शिकारा राइड, पूरा डाल लेक का फील आ रहा है यहाँ पर।
तो गाइस बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोग कैसे आएंगे। अगर आप लोग ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट स्टेशन है वो बैरकपुर भी है और बारासात भी है। आप बैरकपुर से भी आ सकते हैं और बारासात से भी आ सकते हैं। अगर आप बैरकपुर स्टेशन पर उतर रहे हैं तो वहाँ से आप ऑटो ले लो, ऑटो ले करके आप आ जाओ नीलगंज मोड़, फिर नीलगंज से और एक ऑटो चेंज करना पड़ेगा, ऑटो करके आप आ जाओगे यहाँ पर पोटिर भील। ठीक है, अगर आप लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अगर इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर आ सकते हो। ये जगह आप लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट है, यहाँ पर आकर आप लोग फोटोग्राफी बहुत अच्छा कर सकते हो और प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए भी ये जगह जो है वो बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा है। तो गाइज इस जगह का जो नाम है बोरतीर बील, ये एक्चुअली किस लिए यहाँ का नाम बोरतीर बील रखा गया, तो इस जगह को इसलिए बोरतीर बील बोला जाता है कि यहाँ पे जो 32 गांव मतलब बोरती को मतलब बंगाली में बोरतीर मीन्स होता है 32 गांव मतलब 32 गांव का जो जल है इस जलाशय में जो है कलेक्ट किया जाता है, इसलिए इस जगह का जो नाम पड़ा है बोरतीर बील। ये जो जूट का जो स्टिक होता है ना, जूट का स्टिक है ये सब, कितना शानदार लग रहा है, मतलब ब्लू स्काई में ग्रीन ग्रास साथ में पानी और ये थोड़ा ऑफ वाइट का जो है जूट का जो स्टिक है जिसको हम लोग पाटकाठी बोलते हैं, मतलब बंगाली में पाटकाठी बोलते हैं, हम लोग तो ऐसे संठी बोलते हैं इसको, तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, कितना शानदार लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन अल्टीमेट बहुत ही फाइन, ओह बहुत खूबसूरत, छोटा सा एक आइलैंड पनामा की जंगल वहाँ चलते हैं हम लोग धीरे धीरे जो है देखिए इस जंगल के अंदर जा रहे हैं। ओ भाई ये तो अल्टीमेट वाला बिली है, चलो चलो गजब शानदार बहुत शानदार और फुल स्पीड ओ मस्ती, ये देखिए अब हम लोग निकल गए इस जंगल को पूरा चीरते हुए फाड़ते हुए हम लोग निकले हैं बाहर। ये अंकल लेकिन मस्त है, इनका कांटेक्ट नंबर मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग इनसे कांटेक्ट करके आइए, बहुत ही ज़बरदस्त घुमाएंगे। अंकल को रिक्वेस्ट किया कि ये जो सामने जो घास है इसके अंदर से जाने के लिए, चलिए लेट्स सी एंड फील द थ्रिल, चलिए चलते हैं। ये सब जलीय पौधा है और इस जलीय पौधे में ना बहुत तरह तरह के कीड़े मकौड़े हैं जिसके वजह से यहाँ पे जो है बहुत ही अलग अलग प्रजाति की पक्षी यहाँ पे मिल जाएगी, वो लोग यहाँ आता है वो कीड़े मकोड़े खाने के लिए, तो यहाँ पे बहुत तरह के पक्षी मिल जाती है। और आप लोग यहाँ पर आइए, इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए, पिकनिक के लिए भी बहुत शानदार जगह है। और आज का जो मौसम है ना, मौसम भी मतलब बहुत ही अच्छा है, हम लोग काफ़ी लकी है जो ऐसा मौसम मिला है। थोड़ा देर पहले थोड़ा बारिश हो रहा था लेकिन अभी पूरा ठीक ठाक है, बहुत ही फर्स्ट क्लास, बहुत ही फाइन वेदर है। काका इखाने जो डेप्थ कत है, 4 फुट तो यहाँ पे पानी का डेप थोड़ा कम है, तो यहाँ पर अगर आप गिर रहे हैं तो कुछ होगा नहीं, बट आप संभल के बैठना, गिरना मत। लेकिन कुछ देर के लिए ही सही, वहां पर मुझे बहुत सुकून मिला और व्यू का तो बात ही नहीं, वो तो आप मेरे वीडियो से अंदाजा कर ही सकते हो। तरह तरह की परिजाई पक्षी के चहचहाना और नौका विहार करने के वक्त वो पानी का आवाज़ आपके मन को छू जाएगी, ये तो पक्का है। जैसे वेनिस में कलरफुल बोट्स रहते हैं, यहाँ भी सेम उसी तरह के बोट्स हैं, तो वेनिस का भी फील आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब समझ रहे हो कि यहाँ एक बार अगर आप आए तो कितने तरह का फीलिंग जो आप यहाँ से लेकर जाओगे, यहाँ से गैदर करके जाओगे, उसका कोई ठीक नहीं है। आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली आइए, मतलब कोलकाता के नज़दीक मतलब इससे अच्छा प्लेस तो भैया नहीं है। अगर आप लोग नेचर लवर हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आइए, ठीक है। वो देखिए वहाँ पे मेरा बाइक खड़ा है, आ गए अब हम लोग किनारे, हो गया आधा घंटा का 100 रुपीज़ पैसा वसूल। तो गाइस चलिए हम लोग जिस नाव पर बैठे थे उस अंकल से आपको मिलवाते हैं और उनका जो है जो भी डिटेल्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करवाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ पर आकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए का তোমার নামটা একটু বলে দাও আগে। নিশিকান্ত বিশ্বাস। আচ্ছা আর এখানে আসতে গেলে কিভাবে তোমার সাথে কন্টাক্ট করব? নীলগঞ্জ ব্যাংকের মোড়ে আসে টোটোয় করে চলে আসবা। আচ্ছা আজ ব্যাংকের দালাবেড়িয়া খড়ের মাঠ বত্তির বিল।
আচ্ছা, তো তোমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা একটু শেয়ার করো। 9051413288। আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ। তো গাইস দেখ লিয়ে কি অঙ্কল নে আপনা কন্ট্যাক্ট নাম্বার জো হ্যায় ও শেয়ার কর দিয়ে, আপ লোগ উস কন্ট্যাক্ট নাম্বার পর কন্ট্যাক্ট কর সকতে হ্যায় অর ইয়াহাঁ পর জো হ্যায় বোটিং কো আগর এক্সপ্লোর কর সকতে হ্যায়। तो गाइस बोटिंग करके आप थोड़ा यहाँ पर चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद यहाँ से जो है घर चले जाएंगे। तो ये है यहाँ पर एक दुकान है, यहाँ एक दुकान है और ये इस रास्ते से और थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट मतलब छोटा सा ढाबा टाइप का मिल जाएगा। तो यहीं पर जाएंगे अभी, यहाँ एक कप चाय पियेंगे, चाय पीकर सीधा घर। ये जो जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये उसी दुकान का पीछे पोर्शन में एक हैंगिंग स्टेज टाइप का बना हुआ है और यहाँ पर खड़ा होकर जो सनसेट देखना उसका जो मज़ा है वो शायद मैं इस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। तो इस चीज़ का मज़ा लेने के लिए आपको वहाँ पर ज़रूर जाना पड़ेगा। देखो यार एक बात बोल रहा हूँ, ये YouTube वीडियोस, रील्स इन सब प्लेटफॉर्म पर ये लोकेशन देख कर ना उतना कुछ समझ नहीं आएगा। आप लोग एक बार उस जगह पर विजिट करो फिर मुझे बोलना, कसम से कोलकाता का डाल लेक है वो। और हाँ, वहाँ जाने का बेस्ट टाइम जो है वो है दुर्गा पूजा के ठीक 1 महीने पहले या फिर बारिश के मौसम में, क्योंकि बारिश के समय ही वहाँ पर जो है पानी रहता है और उसी वक्त आप लोग जो है ये नौका विहार वगैरह कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और नए लोकेशन पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।